हेलो केज, हाउ आर यू ऑल। सो बच्चों, आज आपने मॉर्निंग में अपनी क्लास अटेंड की ना, तो अब हम करेंगे अपनी ईवीएस की क्लास अटेंड, जिसमें कि हम कुछ नया सीखेंगे। तो सबसे पहले मैम आपको कुछ साउंड सुनाएंगे, आपने वो साउंड सुन के उनको रिकग्नाइज करना है। ओके, स्टार्ट करें। मियाँ मियाँ, किसकी साउंड है ये? यस, दिस इज़ द साउंड ऑफ कैट। कैट की साउंड है ना, कैट ऐसे करती है। ओके, बूबो बूबो, ये किसकी साउंड है? दिस इज द साउंड ऑफ डॉग। तो ऐसे ही मैम आपको और साउंड सुनाए। चलो मैम कुछ एक्शंस करके दिखाते हैं। हा, यस, दिस इज एन एलिफेंट। नाउ आई विल रोर। दिस इज द साउंड ऑफ लायन। ओके, तो बताओ बेटा आज मैम क्या टॉपिक कराने लगे हैं? यस, आज मैम करवाएंगे टॉपिक ऑफ एनिमल्स इन आर ईवीएस क्लास। मैम ने आपको एनिमल्स की साउंड्स और एक्शन दिखाए ना। ओके, नाउ आई विल जंप लाइक अ फ्रॉग। जंप लाइक अ फ्रॉग, जो कि आपने पहले भी किए हैं। तो चलो अब मैम आपको कुछ एनिमल्स दिखाते हैं। वॉच, दिस इज अ काउ, एंड काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, एंड काउ गिव्स अस मिल्क। आपने देखा है ना, कई लोगों के घर में काउज और बफलोज होती हैं और वो हमें दूध देती हैं। सो दिस इज अ डोमेस्टिक एनिमल। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज दिस? दिस इज एन एलिफेंट। एलिफेंट इज वेरी फैट एंड एलिफेंट इज वाइल्ड एनिमल, इसे हम घर पे नहीं रख सकते। दिस इज अ टाइगर एंड टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। सो व्हाट इज दिस? दिस इज हॉर्स। हॉर्स एक डोमेस्टिक एनिमल है। कई लोगों को देखा है आपने हॉर्स रखे होते हैं, हॉर्स राइडिंग भी देखी होगी। तो चलो बेटा अब मैम आपको कुछ और एनिमल्स से मिलवाते हैं, चले फिर। वाओ, लुक हियर। तो देखो हम कहाँ आ गए, सो मैनी एनिमल्स आर देयर। वाओ, देखो कितने सारे एनिमल्स हैं यहाँ पर, है ना? तो आज मैम आपको बहुत सारे एनिमल्स से मिलवाएंगे। ओके, टेल मी व्हाट इज दिस? दिस इज एन एलिफेंट। और जू में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? लायन, बियर, एलिफेंट। आप भी जाते हो ना जू देखने? वॉट इज दिस? दिस इज मंकी एंड दिस इज कैट। कैट तो आपने देखी हुई है, ये वाली कैट से तो आप पहले भी मिले हो। वॉट इज दिस? दिस इज डॉग। वॉट इज दिस? दिस इज मंकी एंड दिस इज रैबिट। रैबिट क्या खाता है? कैरेट। और मंकी क्या खाता है? मंकी खाता है बनानास। दिस इज जीब्रा, जी जीब्रा। दिस इज फ्रॉग एंड वॉट इज दिस? दिस इज टाइगर। दिस इज हिप्पो एंड दिस इज राइनासोर एंड वॉट इज दिस? दिस इज बियर। दिस इज अगेन अ लायन। विच पिक्चर इज दिस? दिस इज द पिक्चर ऑफ डॉग एंड दिस इज एन एलिफेंट। दिस इज द पिक्चर ऑफ गोट एंड वॉट इज दिस? दिस इज याक। एंड डू यू नो वॉट इज दिस? दिस इज हॉर्स। यूनिकॉर्न भी होता है ऐसा। एंड दिस इज डियर एंड वॉट इज दिस? दिस इज काओ। काओ गिव्स अस मिल्क। सो मैनी एनिमल्स आर देयर ना, लुक हियर। वाओ, आपने कितने सारे एनिमल्स से मिले, है ना? आपने इन सबके नेम्स भी लर्न करने की कोशिश करनी है। ओके बेटा,
डू यू नो बेटा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि कुछ एनिमल्स जंगल में रहते हैं और कुछ एनिमल्स को हम पाल भी सकते हैं, यानी अपने घर में भी रख सकते हैं, उन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। और जो एनिमल्स को हम घर में नहीं रख सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। ओके, जैसे कि डॉग इज अ पेट एनिमल, डॉग को हम रखते हैं ना, एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल, डॉग इज अ पेट, मंकी इज ऑल्सो अ वाइल्ड एनिमल, बट कुछ लोग मंकी को रखते भी हैं, ये डोमेस्टिक एनिमल भी है। कैट इज ऑल्सो अ डोमेस्टिक एनिमल, यानी इन्हें हम पालते हैं, ये पालतू जानवर है। ये फ्रॉग, जीब्रा, ओके, लायन, बियर, हिप्पो, राइनासोर, टाइगर, डियर, हॉर्स, हॉर्स इज अ डोमेस्टिक एनिमल। बाकी सारे जो मैम ने नेम लिए वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, यानी कि वो जंगल में रहते हैं, उन्हें हम घर में नहीं रख सकते। टाइगर को नहीं रख सकते, लायन को, बियर को, हिप्पो को, राइनासोर को, एलिफेंट को और डियर को, हॉर्स हॉर्स रख सकते हैं। और डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? काओ, काओ होती है ना, आप सबके घरों में कईयों ने देखी होगी काओ। हॉर्स भी कई लोग रखते हैं अपने पास, मंकीज भी कई लोग रखते हैं, कैट्स रखते हैं, डॉग रखते हैं, और क्या रखते हैं? रैबिट्स, कई लोग अपने घर में रैबिट्स को भी रखते हैं। जीब्रा भी वाइल्ड एनिमल है। तो बेटा कुछ एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और कुछ एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। तो नाउ ओपन योर बुक पेज, इंटीग्रेटेड बुक पेज 40। सो चिल्ड्रन ओपन योर बुक पेज 40। आप देखो यहाँ पर कितने सारे एनिमल्स हैं ना, तो इसमें से वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं? इसमें से वाइल्ड एनिमल्स हैं टाइगर, डियर, एलिफेंट, लायन, फॉक्स, बियर, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। ये देखो लिखा है ना ऊपर वाइल्ड एनिमल्स, ये सारे जंगल में रहते हैं, इन्हें आप अपने घर में नहीं रख सकते हो। और भी जैसे मैम ने अभी बताए थे ना वाइल्ड एनिमल्स आपको, जैसे कि क्या बताया था, बियर, हिप्पो, डायनासोर, एलिफेंट, ये सब वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो बेटा अब आपने क्या करना है, जो भी ये जंगल में रहते हैं पिक्चर वाइल्ड एनिमल्स हैं, राइट द लास्ट लेटर साउंड ऑफ देयर नेम्स। ठीक है, लास्ट लेटर लिखना है। व्हाट इज दिस? दिस इज डियर, र, तो कहाँ फिनिश हुआ? र पे। सो यू हैव टू राइट र। एलिफेंट, ट, ट पे फिनिश हुआ, सो यू हैव टू राइट ट। दिस इज फॉक्स, क्स पे फिनिश हुआ, सो यू हैव टू राइट क्स। दिस इज लायन, सो यू हैव टू राइट न। दिस इज बियर, सो यू हैव टू राइट बियर, र, र लास्ट साउंड, जो लास्ट में आवाज आ रही है उसका हमने लिखना है साउंड। सो नाउ ओपन नेक्स्ट पेज 41, एनिमल्स एंड देयर होम्स। तो बच्चों आपको पता है जैसे आप घर में रहते हो अपने घर में, इसी तरह से सभी एनिमल्स का अपना अपना एक घर होता है। देखा है आपने उन सबका घर कभी? आपने इंग्लिश में जब आपने किया था तो आपने उसमें डेन देखी थी, डेन, तो डेन किसकी किसका घर होता है? डेन किसका हाउस है? डेन लायन का हाउस है। आपने देखा था ना जब एना डेन किया था तो उसमें लायन डेन के अंदर बैठा था, जो लायन होता है वो डेन में रहता है, तो लायन को हमने डेन से मैच कर देना है। इसी तरह सभी एनिमल्स के घर होते हैं। जैसे काओ का घर क्या होता है? शेड। काओ जो है वो शेड में रहती है, वो उसका हाउस है। ठीक है, और हॉर्स का क्या होता है हाउस? हॉर्स का हाउस होता है स्टेबल। जो हॉर्स होता है वो अस्तबल में रहता है, यानी स्टेबल में रहता है। और रैबिट का क्या होता है? रैबिट भी छोटी सी गुफा बना के रहता है, जिसे बोलते हैं बुर्रो। और डॉग किस में रहता है? डॉग, आपने कई लोगों के घर में देखा होगा कि डॉग्स के लिए भी हाउस बने होते हैं, डॉग रहता है कैनल में, ये इसका हाउस है। तो ऐसे ही सभी एनिमल्स के कोई ना कोई हाउसेस होते हैं।
तो बच्चों, जैसे कि आपने अब सभी एनिमल्स देख लिए ना, मैम ने बताए, आपको पता है जैसे एनिमल्स के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज होते हैं, वैसे ही सभी एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट फूड होते हैं। रैबिट का फूड क्या होता है? कैरेट। मंकी का बनाना, लायन का मीट, और काओ का ग्रास, और एलिफेंट शुगरकेन, ये चीज़ें खाता है एलिफेंट। ठीक है बेटा, तो आपने अब ये पेज, आपका ये काम है कि आपने ये पेज खुद से करना है, ताकि मैम को पता चले कि आपको समझ आ गई है, और मैम को इसकी फ़ोटो सेंड करनी है सारे पेजेस की। एनिमल एंड इट्स बेबी। अब जैसे मैं एनिमल्स के अपने अपने हाउसेज होते हैं, अपने अपना फूड होता है, वैसे ही एनिमल्स के अपने अपने बेबीज भी होते हैं। क्या लिखा है ऊपर? फाइंड माय बेबी एंड कलर अस लाइक। तो ये भी आपका टास्क है, आपने सभी एनिमल्स को उनके बेबीज से मैच करना है, और सभी में कलर्स करने हैं, बहुत नीटली कलर करना है। अब देखो एक बार मैम बताते हैं, डॉगी का बेबी पपी होता है ना, गोट का बेबी, ये देखो ये भी गोट है, किड। काओ का बेबी क्या होता है? काफ। और लायन का बेबी क्या होता है? लायन का बेबी कब। और कैट का बेबी किटन। तो आपने बेटा जैसे मैं ये फर्स्ट वाला मैच किया हुआ है ना, ऐसे ही सभी पिक्चर्स को मैच करके आपने उसकी फ़ोटो मैम को भेजनी है, और इन सब में कलर्स भी करने हैं। ओके, सब बच्चों के, सबके बेबीज़ के नेम भी बोलने हैं और एनिमल्स के नेम भी बोलने हैं। डॉग, पपी, गोट, किड, काओ, काफ, कैट, किटन, लायन, कब। ओके बेटा,